आपकी आवाज़ मुझ तक आ रही है और यहां बैठा मेरा भाई जो कि मोबाइल पे इंटरनेट यूज़ कर रहा है मेरी बात पे फोकस नहीं कर रहा लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि इंटरनेट के बहुत फ़ायदे हैं और मैं इन लोगों से यह भी डिस्कस कर रहा था यही मुझे कह रहे थे कि मोमिन भाई आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर लेते हैं आप स्किल्स ऑनलाइन डेवलप कर लेते हैं सेल्फ स्टडी हो जाती है आप दोस्तियां बना लेते हैं तो राति ढाई बजे भुख लगती है तुम फूड पा तो रोटी ऑर्डर कर लेते हो जब मैंने दोस्तियों की बात की तो और मेरे एक भाई यहाँ पर बैठे थे उन्होंने कहा नहीं मोमिन भाई इसको कहते हैं ऑनलाइन जानू हंटिंग ठीक है लेकिन अगर आपसे ये मोबाइल और इंटरनेट छीन लिया जाए तो आप कैसा फील करेंगे इस पर भी बात करना चाहेंगे तीन दिनों के लिए हमारे मुल्क से इंटरनेट बंद कर दिया गया बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें की मैं आपसे अपना पर्सपेक्टिव अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा थ्री डेज ऑफ इंटरनेट आउटरीच फोर जी ऑफ हो गया लेकिन जड़ा तारा तो कार इंटरनेट जा रहा है, on सी वो ऑन सी एक तो मुझे समझ नहीं आई कि पूरी तरह इंटरनेट ऑफ कैसे हुआ लेकिन इंपैक्ट कौन हुआ गिग वर्कर्स जो पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी के बैकबोन है एक लाख तीस हजार फूट पांडा और बाइकिया के राइडर्स तीस हजार ऊबर और करीम के राइडर्स जो रोज काम करके अपनी रोजी कमाते थे लेकिन तीन दिनों के लिए उनकी रोजी उनसे छीन ली गई क्या हमने उनका सोचा पाकिस्तान की फ्री लांस मार्केट जो कि एशिया में नंबर वन है और एनुअली सेवेंटी फोर परसेंट से ग्रो करती है हमने उनको हिट किया क्या हमने उनका सोचा जिन्होंने 2021 और 2022 में 400 मिलियन डॉलर कमाया एंड दे कंट्रीब्यूटेड 15 परसेंट टू द कंट्रीज़ 2.6 बिलियन आईसीटी एक्सपोर्ट्स क्या हमने उनके बारे में सोचा बिकॉज दे रिलाई ऑन द इंटरनेट अपने क्लाइंट्स का काम करने के लिए अपनी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए डायरेक्टली उनका काम उनसे छीन लिया गया उनकी इतने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो गए जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं और वो लोग जो इनसे काम करवा रहे थे वो कह रहे होंगे यार अनाधे मुल्त इंटरनेट नहीं आंदा असी क्यों, क्यों कराइए असि इंडिया करा लाएंगे बांग्लादेश करा लांगे फिलिपींस को काम करा लेंगे असी अन्य को काम क्यों कराइए अनादा तो इंटरनेट ही नहीं आता मैं मानता हूँ आपने प्रोटेस्ट रोकनी थी आपके माइंड में सौ चीज़ें थी जो आपको लग रहा था हो जाएंगी अगर आप इंटरनेट बंद कर देंगे लेकिन क्या आपने इन लोगों का सोचा चले, इसको भी छोड़े पूरा मुल्क हर बंदा टैक्स कलेक्शन की बात करता है पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन जो थी जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तीन दिन तो वो नहीं चल रही थी तीन दिन आपका मुल्क पूरी तरह कैश पे रिलाई कर रहा था तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो रिलाई करता है अपने टैक्स कलेक्शन डेटा के लिए इन पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन पे तीन दिन का तो डेटा उनके पास नहीं आया तो डायरेक्टली इकोनॉमिकली टैक्स की तरफ से मुल्क को कितना हो जिसका आपको लगता है, कि होगा, आपको लगता है कि आपका, आप आप तो आपका यह डिसीजन मुल्क की यूथ को मुल्क की डिजिटल इकॉनमी को ओवरसीज डिजिटल डिजिटल टैलेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको इसका क्या नुकसान होगा मेरी जान बत्तीस थर्टी टू बिलियन रुपीज का नुकसान हुआ लेकिन इसके बारे में तो हमने नहीं सोचा तो मैं ये कहना चाहूँगा यार तो जिद मसला चल रहा करो लेकिन यूथ खुद अपने बलबूते हैं उनके रास्ते में तो सौ सो बार सोचे बाकी कोई गलता एड्डी कहना तू तो रोनी लग पे मेरी ठीक है बुरे वक्त की एक अच्छी बात है कि गुजर जाता है अच्छे वक्त की बुरी बात है कि वो भी गुजर जाता है आगे के लिए आई लव यू जो है सारे या पाकिस्तान हमने इस चीज से सीखने आगे जाके बेहतर डिसीजन लेने ताकि हम अपने बच्चों को सपोर्ट कर सके अभी हंसी मजाक का सिलसिला चलना चाहिए क्योंकि ज्यादा देर सीरियस होंगे गए ना तो भी कहना यार ऐसे खुद भी रो रहे हैं सानू भी रो आ रहे हैं तो मेरी जान तो तहु दसने की अब बड़ा खास मेहमान आ रहे हैं राणा फी अशरफ साहब फूलनगर नगर तो आ रहे हैं मुझे नहीं पता फूल ला रहे हैं कि नहीं ला रहे लेकिन कमाल हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं उन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के ये बड़े शानदार प्लेयर रहे हैं रोटी गैंग का ये हिस्सा रहे हैं गप्पा मार देने कमाल दियाँ होएगी गप बातें हंसी मजाक आप रहे तैयार और मैं बुलाना चाहूंगा आपकी भरपूर तालीम आशरा ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੱਟ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਪ ਵਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਚੋ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਫੜੇ ਗਿਆ ਇਸਕਾ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਚਿਕਨ ਮਟਰਨ ਰੋਗਨੀ گارਲਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣ ਚਲੋ ਜੋ ਦੇ ਦੇਣ ਲੈ ਆਓ ਲੈਓ ਕੋ ਉਧਾਰ ਲੈਓ फ़हीम भाई फूल नगर से आपका ताल्लुक है मेरे अपने बड़े दोस्त हैं फूल नगर से मैं आपको भी बताऊंगा sure, तो आई एम श्योर थोड़ा कोई ना कोई ताल्लुक होएगा उन्होंने नाल माशा अल्लाह तला ने इतनी इज़्ज़त दी इतनी तरक्की दी सक्सेसफुल होए फिर भी आप किसी बड़े शहर में शिफ्ट नहीं हुए फूल नगर में ही आप अभी भी हैं इसकी क्या वजह देखें एक तो पार्टीशन के बाद मेरे जो बड़े हैं वहाँ पर आके बसे थे उसके बाद मेरे अम्मी बू वहाँ पर हैं मेरी फैमिली दोस्त सारे वहाँ पर हैं तो हम लोग छोटे इलाके से हैं तो हमारा जो है ना वो बड़ी मुश्किल होती है कि हम लोग निकल के कहीं बड़े शहर में जाएं तो ये अम्मी अबू की वजह सबसे बड़ा जो है वो अम्मी अबू की वजह से है कि वहाँ से निकल नहीं सकते क्या बात तालियां जिन्हें माँ प्यो की इज्जत की फिर ओनू नहीं रोक सकते लेकिन अगर इशारे वाले रोक लेंगे <laughs> चलान ना देवे तो थाने भी ले जाते <laughs> चुप करके दे दे कभी गए हो थाने चक्कर नहीं लगना ज्यादा है क्या है फूल नगर के लोग कैसे हैं हैं <laughs> नहीं माशाल्लाह तुम्हें बड़े प्यारे हो लेकिन हमारी आवाम जानना चाहती है हमें पता है फूल नगर लेकिन क्या फूल ही फूल होते हैं उधर ये फूल नगर नाम कहाँ से आया फूल नगर नाम ये हमारे एक पोलिटिक्स हुआ करते थे राना फूल उनके नाम पे है फूल राना फ्लावर ठीक है।, <laughs> है देखें ये तो मेरे से पूछता भी है ना कहाँ से हो तो मैं थोड़े से ऐसे करता मैंने कहा ब्रदर टन वो क्या मैंने कहा यार जैसे जैसे पाकिस्तान मॉडरेट होता रहा ना हमने फिर पहले ब्रदर टन नाम था फिर रख दिया फ्लावर नगर फ्लावरनगर की है मैं कहा फूल नगर यार पुराना नाम उसका भाई फिर भी था ना तो मैं ब्रदर टन फिर फूल नगर अच्छा वेरी गुड तो मैनू ए दसो जैसे जैसे हमारे प्लेयर्स की शादियाँ होती हैं ये रोटी गैंग से अलग हो जाती है मैंने अलग नहीं हो नहीं ना ना नहीं बस रोटी चुक के लाइए मैंने अच्छा पहला रोटी बह के खाते सन हूं चुप के ला जाते हाँ वो दे के वापस आ जाते हैं हम लोग इकट्ठे खाते हैं वा अपनी मतलब वाइफ को भाभीियों को दे आते हैं खाना खाना अच्छा वो जहाँ से रोटी लेके मतलब खाते हम, हम लोग इकट्ठे ही हैं जितने हैं, हम दोस्त हाँ। हैं खाते हैं इकट्ठे ही हैं हम खाना एक साथ ही मंगवाते हैं ये होता है कि भाभीियों को फिर वो दे आते हैं फिर हम लोग फिर उन पर भी होता है ना कि इसी बहाने तो हम बाहर निकले हैं। बिल्कुल ठीक है ये ज़रा भाभियां भी नोट कर लें ये ये जो बहाने यूज़ कर रहे हैं ना यून भाभी हमारी भाभी टाइट करेंगी तो अगर रोटी गया के बॉयज़ बाहर खाने चले जाएं तो कोई एक है जिस पे प्रेशर बिल का डलता है या सारे माशा अमेरिकन सिस्टम के साथ चलते हैं या कोई नहायत कंजूस भी है बीच में हारिस कंजूस हारिस भाई टोटल मतलब सिर्फ दुआ देंदे नहीं पैसे दें लेकिन बहुत ना होंगे किसी तरीके कहते ना हैरी चल तू ना ही दे लेकिन हसी भी कहना हैरी सब तो पहले तू देगा अच्छा

लो जी जितने नए लड़के अपना पाकिस्तान में आगे क्रिकेटर्स बनना चाह रहे हैं पहला टूर आपका इंशाल्लाह स्कॉलरशिप है फहीम भाई की तरफ से ये ऐलान है तो बस दुआ करो कि अल्लाह ताला पहला टूर ऐसा दे जो बहुत ही लंबा हो ठीक है फहीम भाई माशाल्लाह हमारी रिसर्च टीम ने बताया कि आप माशाल्लाह टोटल सात भाई हैं जी जी तो मोहल्ले में जब बचपन में क्रिकेट खेलते होंगे तो सबसे ज्यादा शोर तो आपके लिए बचता होगा और टीम हमारी अपनी होती थी और बदमाशी भी हैवी बड़े भाई लोग तब तो मैं छोटा था ना जब वो मोहल्ले की टीम थी नहीं बदमाशी भी ठीक होती थी अरे सत भ्रा ने सत भ्रा मेरे कजन चार के बेटे चाचू के बेटे महल रायपूतर से पिंड तो आ जाए लड़के थे, <laughs> <laughs> थे। <laughs> पहली दफा पिंड से आए थे काफी लड़के जब इंटरनेशनल खेला <laughs> नहीं इतने नहीं आया मैं इधर खेले नहीं थे मेरा डेब्यू इंग्लैंड में हुआ था क्रिकेट नहीं थी हो रही ना तीन साल तो क्रिकेट नहीं हुई लगवाने का नहीं कुछ किया वो बेचारे कहाँ जाएंगे वहां इतनी दूर थक ही अच्छा पैदल जाना है। अच्छा ठीक है तो जब उसके बाद पहला इंटरनेशनल मैच लोकल किस शहर में खेला पाकिस्तान में लाहौर में लाहौर में खेला कैसा एक्सपीरियंस था अपने अपने मुल्क में पहला अपना इंटरनेशनल मैच खेलने डेब्यू मैच था वो तो प्रेशर सी सारा प्रेशर सी रिलीज था। तो रिलीज़ किंच बस खेल खेल के हो गया खेल खेल के प्रेशर रिलीज वो पहला मैच था डेब्यू मैच था टी का वर्ल्ड एवन का वो याद रहता है बंदे को पहला मैच सारी याद, याद, है। याद, रहता, याद, रहता, है। याद रहता है क्या क्या एक्सपीरियंस था जब आप ग्राउंड में जा रहे थे कुछ कलमा पा सो दुआवा कर रहे सो क्या क्या एक्सपीरियंस क्या मैच, मैच के दौरान मैं कहता हूँ हमसे अच्छा मुसलमान ही कोई नहीं है <laughs> <laughs> और मैच के बाद मैच के बाद वही आम रूटीन जो बाकी पहले होती है हमारी वही मैच के बाद हो जाती है वेरी गुड तो बचपन से ही क्रिकेटर बनने का शौक था या बीच में कुछ और इरादा या शुरू में कोई और करियर की तरफ गए फिर क्रिकेट की तरफ आ गए नहीं बचपन से तो नहीं लेकिन ये था कि जब 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फाइनल खेला था इंडिया उसके बाद हुआ था कि यार क्रिकेट खेले हम भी क्यों क्यों उसमें ऐसा क्या हुआ कि आपने उस टाइम मैं पूरा फाइनल मैच बैठ के देखा मैंने रमजान में था तो रोजे के साथ पाकिस्तान पहले रहा है, फिर हार रहा है रोज़ा भी लग रहा है तो पाकिस्तान वो मैच हार गया। वो मैच हार गया था भाई चीखे मार रहे हैं, रो रहे हैं और रो, रहे... रो, रोने वाला काम नहीं है लेकिन दिल दुखा था यार ये क्या हुआ ऐसे नहीं था होना चाहिए उस दिन आपने कहा मैं अपनी टीम

आपका नाम आया तो आपके लिए तालियाँ बज गई आप इतने मेरे लिए मेरे गेस्ट के लिए और मेरी ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो हूं सैफी भाई थोड़ी तो आन लगी स्टोरी बिस्मिल्लाह करो यस स्टोरी ऐसी कोई नहीं है लेकिन सैफी भाई का ये है कि अगर आप सैफी भाई के साथ बैठे हैं ना सारा दिन भी बैठ जाओ बोर नहीं हो गए नहीं क्या सैफी भाई क्या करते हैं सैफी भाई जो टॉपिक मिल जाए उस पर ऐसे घंटा दो घंटे लगाए हैं कि आप कभी बोर नहीं हो गए उस उनके साथ बैठ के और कभी कभी हमारा मैशप वाक्य सुनाए सैफी भाई का वाक्य नहीं सैफी भाई का मैशअप जो है ना वो मुझे बड़ा पसंद है मैशअप उसमें किस किस का कौन कौन से गाने होते हैं गाने वो सलमान खान के बड़े फैन है सलमान खान के फुल वो फैन वो है।, है वो भी पहनते हैं वो चेन नहीं वो नहीं, नहीं पहनते लेकिन वैसे सलमान खान के बड़े फैन है जितने भी पुराने गाने ना सैफी भाई ये थोड़े थोड़े करके ऐसा मैशअप सुनाते हैं टेस्ट मैच में आप बोर भी हो रहे हैं आपने सारा दिन फील्डिंग भी किया लेकिन सैफी भाई आपको बोर नहीं होने देंगे कभी ऐसे हुआ कि सैफी भाई बैटिंग कर रहे हैं आगे आप बैटिंग कर रहे हो और शॉट लगा के सूरी लिए क्यों या गाना स्टार्ट कर दिया या कैच कैच पकड़ के जीने के हैं चार कुछ <laughs> मतलब कोई वाक्य तो मैं, मैंने बोला है मैच के दौरान साढ़े तो सच्चा मुसलमान को नहीं होता ये भी गल सही है वो है कि हम लोग जब बाहर बैठे होते हैं तब की बात है 2017 थाउजेंड से ट्राफी में आप सेलेक्ट हुए इंडिया को हरा आकर पाकिस्तान जीता भी तब जश्न कैसे मनाया था तब जश्न सच हकीकत देखो हूं सच ही गाल करती है फहीम साहब लेकिन बंदे नडर बंदे हो देखो जी मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे कोई सेलिब्रेशन करता या कुछ ऐसा करता गुस्सा होते देखा वो वाहद में आज था जो मैंने अपनी जिंदगी में सेलिब्रेशन किया हमें भी नहीं पता जीती है ना बस ये था कि बस कुछ कर दिया ऐसा कर दिया हमारी टीम ने कि जो सबसे बड़ा है ऐसा था बस तो सैफी भाई जितने हमारे लड़के हसन सारे हमारे हसन हम सब अभी नए नए थे सारे सब ने ऐसा मतलब जशन हुआ है सब ने ऐसी सेलिब्रेशन किया मैं कहता हूँ उस ना उससे हम, पहले हमने की होगी ना उसके बाद की होगी बाकी वो मोमेंट कभी भी नहीं भूल सकते वो नहीं बोल रहे तो फूलनगर में तो बड़ी फायरिंग की होगी उन्होंने <laughs> उधर से ज्यादा तो इधर फूल नगर में सेलिब्रेशन हुई <laughs> होगी इधर क्या हो रहा था ऐसा वैसा राशि मैं कोई दो हफ्ते चैन नहीं मिला दो तीन हफ्ते दो तीन हफ्ते चैन ही नहीं तो की लेकिन ये था कि थोड़ी सी होती है उसके बाद घर वाले बाहर नहीं थे निकलने देते क्यों भाई अंदर में मिलने वाले भी आते थे ना काफी अच्छा मैंने सुना आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं राना जी भी लाभ ही राना जी सही है

किस प्लेयर के साथ आपको रूम शेयर करने में डर लगता है एक सेकंड तुम इंटरेस्टेड क्यों उनको किस किसके साथ रूम शेयर करने में डर लगता है वजह <laughs> क्या है, है? क्योंकि ये वही है जो सारी रात बर्गर खाते रहे थे मैं नहीं सी होते <laughs> नहीं। <laughs> जी कोई प्लेयर है जिसके साथ जो तंग करता हो या आप कहते हो यार नाल हुन देखिए हमारा वैसे पहली बात तो है कि हमारा रूम शेयरिंग पे नहीं होता सिंगल होते हैं अगर रूम फाइनेंशियली बड़ा हैवी है अगर रूम शेयरिंग की बात आए तो मेरी आदत नहीं आ कि किसी के साथ रूम शेयर किया जाए क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं होते किसी के साथ ना हाँ अगर ये है कि वो दो बेड वेड लग कोई भी चल जाएगा मसला नहीं है आ, लेकिन करीब हो थे मसला होता है बंदा खराटे भी मार बंदा <laughs> और कोई सवाल असल क्या है। हाल है क्या नाम है आपका आयशा आयशा जी मेरा फहीम सर से क्वेश्चन है कि ज्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो इंडियन लड़की से शादी करते हैं तो आप इंडियन लड़की से शादी करेंगे या पाकिस्तानी लड़की से नहीं और कोई ऑप्शन है आपके पास किसी की? <laughs> <थी। laughs> नहीं वो ज़्यादातर जैसे हसन है शयब है तो उन्होंने इंडियन लड़की से शादी की है ना तो इनका जवाब ना थोड़ा डिटेल में दे दें क्या छोटा सा जवाब पाकिस्तान पाकिस्तानी से करेंगे जो मर्जी हो जाए जो मर्जी हो जाए पहली बात अब पाकिस्तान से से? मैं? हाँ मैं फूल नगर से पाकिस्तानी लड़की है और फूल नगर की को पसंद की कार वाले ने कार वाले लगे हुए लगे हुए रिश्ता आंटिया का नंबर दवा अबू नो मेरे को बॉलीवुड से कोई ऑफर आई है नहीं नहीं आई जो मर्जी तो हो जाए करनी घर वालों की मर्जी ऐसा वैसा सीन क्या बंदा है पाड़ के माँ बाप से उनके लिए क्या पैगाम है आपका क्योंकि आप एक सक्सेसफुल मिच्योर लड़की हैं जो इस सुमन में भी आके कह रहे हैं करूंगा तो घर वालों की मर्जी से करूंगा एक पाकिस्तानी से करूंगा फूल नगर की लड़की से करूंगा क्या आप मैसेज देना चाहिए जी सबसे पहली बात माँ बाप दोबारा नहीं मिलते बिल्कुल ठीक और दूसरी बात हम लोग जो उनके आगे जिद कर देते ना कि मैं अपनी मर्जी करनी है कल को इन्हीं लड़कों ने भी माँ बाप बनना है इसने भी बाप बनना है और कल अगर इनके बच्चे इनके साथ करेंगे तो क्या होगा अम्मा मैं घर आ रहा हूँ जो लड़की आपको पसंद है मेरी तरफ से हाँ है <laughs> भाई ने मेरी आखें खोल दी <laughs> लो, लो, कर <laughs> लो कर दो कर दो भाई ने आंखें ने खोल दी ऐशो बाकी गल करेंगे बेटू अभी कोई कर दी <laughs> <भी> भाई <laughs> यार है। अगला है। लिप सिंह बैटा गाने सुनते हैं सुन यहां पर गाने चलेगा मैं उस पर लिप सिंह करूंगा गुनगुनाऊंगा इंजॉय करूंगा फिर अगले आपकी बारी होगी क्योंकि हम लोगों को बताते हैं कि भाई हमारा जो गेस्ट है ये भी एक आम इंसान है इसके भी ये भी गुनगुनाते हैं ये भी गाने इंजॉय करते हैं तो जी सेटअप लगाए लिपसिंग बैटल शुरू करते हैं ਆਨੇ ਮੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪਾਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਵੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਧਰ ਸਿਰਫ ਫੂਲ ਨਗਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत मजा आ रहा है मजे मजे की बातें हो रही हैं कंटिन्यू करते हैं ना फहीम भाई थर्ड मैच में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक की कितने दिन कितने हफ्ते आप तो मेरे वर्ग का बंदा हो तो यही सोचता रहे यार मैंने कमाल नहीं कर दिया वैसे सुबह उठ के कहते थे पूरे आपको मतलब बड़ी थर्ड मैच में हैट्रिक एक दम मार जगह रहना फहीम रहना फहीम क्या मोमेंट था वो वो मोमेंट ऐसा था कि मैं ओवर मुझे ओवर नहीं था मिलना ठीक है अनशनवारी जो अनफिट हुआ है ठीक है तो सैफी भाई ने बोला कि राणा जी ओवर करना है दो आउट हुए हैं तो इमार सी मेरे साथ खड़ा है कि राणा अपनी लेंथ पे मारना आउट हो जाएगा जो वो आउट हुआ आज भी पिक्चर्स वो मेरे पास पड़ी है सैफी भाई जब मेरी गोद में आ गया वो मुझे पिक्चर याद है उसके बाद नहीं उसके बाद मतलब लोगों से पता चला है कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से पहला मैं बॉलर हूँ जिसने हेटर किया है तो वह ऐसा मूवमेंट होता है जैसे आप क्या कह लें जैसे आप चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हैं या ये जो मूवमेंट है ये मोमेंट ऐसे है कि आप अगर वहां पे उसको रिकॉल करें ना वो वापस आपके ना माइंड में आ जाते हैं आपके आंखों के सामने आ जाते हैं कि यार ऐसे लगता है आप उसी दिन में वहां उसी जगह पे पहुंच चुके हैं वह तो ऐसे मोमेंट है कि वो जो आपकी जिंदगी में ना स्पेशल जो मोमेंट होते हैं उनमें से एक मोमेंट वो हैं उनमें से एक मोमेंट है और जो इंसान को हमेशा याद रहता है ऐसे ही है क्या बात राणा साहब आपको गाड़ियों का भी शौक है और हमने ये देखा है कि जब आप गाड़ी लेते हैं उसी रंग की आप शर्ट भी ले लेते हैं ये क्या कहानी है ये बस मैचिंग हो जाती है ये नहीं है कि मैं खुद से गई ये मैंने... कुदरत कुदरत का निज़ाम है माशाल्लाह माशाल्लाह <laughs> येलो, येलो येलो लवली माशा येलो गाड़ी के ऊपर मारे येलो फ्रॉम ये क्या स्टोरी है ये मैचिंग हो जाता है मैचिंग हो जाती है अच्छा अगली दिखाई ये ये नहीं है कि मैंने शर्ट स्पेशल है शर्ट हो सकते पहले की पड़ी है मेरे पास तो वो मैचिंग टाइम उदो आया पा दौदा और कौन सी थी एक और भी थी ना लगाए जरा ये भी कुदरतन है भी ये सारा <laughs> हो है। मैं फिर मुझे लगता है जिस कलर की शर्ट मिले उस कलर की गाड़ी ले लेते हैं है। ये सूट भी नहीं पहना ये सूट भी नहीं पहना गाड़िया कौन सी पसंद है आपको जड़ी अपनी जड़ी अपनी अच्छा एक और भी लोग जो करते इसके रिलेटेड कौन सी गाड़ी रखी हुई आपने जो आपने देखी है ये ये सारी तो खुद चलाते हैं या ड्राइवर नहीं मेरी कोशिश है मैं खुद रैश ड्राइवर हैं आप नहीं वो डिपेंड करता है कि अगर तो लेट हो रहे हैं तो नहीं तो बड़े टीम में सबसे ज्यादा तेज गाड़ी कौन चलाता है टीम में सारी लड़के तेज चलाते हैं हसन भी तेज चलाते हैं सारे सब भी है सबको ये होता है कि मतलब निकलते पूरे पूरे टाइम पे है तो बस टाइम बचाने के लिए जल्दी फिर कभी बैठे और जान फखर ने ना नई नई ड्राइविंग सीखी थी दो, <laughs> की बाद, बात की बात है तो हम लोग ना लोहर में कैंप लगा हुआ था वर्ल्ड का अच्छा, आई थी। तो फखर के साथ में बैठ गया अब कोई गाड़ी पांच फुट दूर होती थी, थी फखर ब्रेक लगा लेते मैं आया फखर चल नहीं नहीं वो बड़ी पास है जाता नहीं था उसके साथ मुझे पहली दफा बैठ के डर लगा था नहीं तो आप बैठे क्योंकि नए ड्राइवर के साथ मुझे नहीं था आइडिया ना मैं फखर मैंने कहा फखर वहां से गाड़ी ले आया तो यहाँ पे भी चला लेगा दोस्ती प्रोफाइल हमारा एक सेगमेंट है हम आपके कुछ दोस्तों के नाम लेंगे और आपने उनकी एक दोस्ती प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो आपको उनके बारे में है या जो आप उनको जितना जानते हैं पहला कौन है जी मेरा नाम आसिफ अली आसिफ अली है पर टीम में सारे मुझे डैश बुलाते हैं जरा है नहीं नहीं बताना पड़ेगा बताना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं <laughs> नहीं नहीं ये नहीं, नहीं। आसिफ भाई का एक दाम ना शुरू से जो फैसलाबाद में जो मैं नहीं, जो मशहूर है इसको आसीफ आड़ा कहते थे शुरू कहता है, बड़ा मीस रहे ठीक है।, <laughs> है यार आसिफ भाई थे यार ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब जब कोई कहता है आसिफ हां गुस्सा कर जाते फील्डिंग भी सही कर रहा होगा अच्छा, अच्छा, अच्छी कर रहा है। किसी ने कहा है। सही फील्डिंग कर आसिफ तू कर लेना फिर ऐसे एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है वो है इनका बेटा माशाल्लाह बेटे से बहुत मोहब्बत बहुत मोहब्बत इनको क्या बात है ये हो बिल्कुल ठीक बनता है प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूं प्रैक्टिस के मामले में ठीक है ठीक है हाँ, प्रैक्टिस के मामले हाँ, प्रैक्टिस, में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हाँ, नहीं थोड़ी ना बोला वो तो इन्होंने बना दिया खुद से लेकिन ये अगर प्रैक्टिस अपनी अच्छी करते हैं अच्छी करते क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है और वो है वो इनका शौक है इन्वेस्टमेंट करना है कि प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी में

और मैं सो <laughs> पास बैठा लो बातें कर लो आसी भाई चुप करके सुनी जाएंगे मेरे सुनी जैसे जा बस तो ऐसा बंदा भी ठीक है, सुनी सुनी है ना अगो जवाब ही नहीं देगा। आके के तो तो दे रहा सुनी खुद ही होगा तो सुनना ही है इसको भी कुछ बोलता कौन है ज्यादा टीम में हसन हसन बहुत बोलते हैं अब वो बड़े शुक्रिया उनका डांस भी बहुत सीखे हसन बस कर जा कट बोलिया कर नहीं वो कहते नहीं क्या बात अगला कौन है जी मेरा नाम फखर सुमान। पर टीम में सारे मुझे फोजी। फोजी कहते हैं ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब... जब इसको हम तंग करते हैं हम सारे दोस्त जो हैं तीन चार ठीक है एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है हसन को तंग किए बगैर अच्छा अच्छा वेरी गुड तो तंग करते कैसे हैं उनको? नहीं और रहने <laughs> हम, मतलब हम सब में ना हाइट में छोटा है तो इस वजह से उसको ज्यादा तंग करते कैसे

मेरा नाम हसन अली पटी में सारे मुझे जय पड़ेंगे पड़े गए हो पड़े गए हो पड़े गए हो छोटा छोटा बुलाते हैं मेरे का भी दूसरा जवाब होता टेंशन ठीक है ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब जब इसको ना कोई गुस्से से ना जान विगतंग करने के लिए कोई भी गुस्से से कह दे हसन साहब सही तरह कुछ कर भी लो वो। <laughs> ए गुस्सा हो जाएगा फिर फिर मनाना पड़ता है

मैं, मैंने बोला मैं लेजी था इनमें लेकिन इन सब ने मुझे भी सही कर दिया वेरी गुड क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है और वो है आ, आना। अच्छा आ, वो क्यों इसके दोस्त मतलब ये भी, ये भी ये से है ना आ, तो, तो बढ़िया बढ़िया कंपनी अच्छी होती है वो आपको नसीतें भी अच्छी करते हैं उनकी बातें बड़ी अच्छी होती है मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता अब ये बातें ना कह देना बातें बड़ी करते हैं ये कोई मसला दोस्ती एक होता है सिर्फ पर्सनल बातें होती है लेकिन ये इसकी ये क्वालिटी है कि ये हमारे साथ शेयर कर लेता है। क्या बात है दोस्ती की लाइफ एग्जांपल है सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब तो आता है जब जब कोई इसकी बात नहीं मानता क्या मतलब बात नहीं बात से उधार मांगे ग्राउंड के अंदर होता है ना कि फील्डिंग सेट कर रहे हैं एक दफा किया दो दफा किया बस उसके बाद तो मैं कहते खड़ा हो खड़ा हो जाओ ऐसे होता है okay, एक दफा या दो दफा बोल दिया किसी को तब इंसान को ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता होंगे आपको भी आ जाएगा नहीं, कौन सा खिलाड़ी? अपनी पे चिड़ा ही रहता है, कि नहीं है नहीं, में सही वो ये ज्यादातर होता है की जब लड़का पहले पहले खेल रहे शुरू शुरू में खेल रहे हो ना तब ज्यादा होता है स्क्रीन में देख रहे होते हैं तब ज्यादा ये होता है वैसे इतना नहीं होता लेकिन ये है, में हुआ था। है? आपको याद भी हो या, किसी को याद हो रिजवान लड़का था हमारा हाँ. इस्लामाबाद की टीम में उसको फील्डिंग पे कह रहा है कि आगे हो जा आगे हो जाए वो अपनी दुनिया में गुम था वो था कैमरा पकड़ हो सकता है इसको होता ये जब ग्राउंड में कोई इसकी बात ना माने तब इसको क्राउड के पास शौक होता है खड़े होने का नहीं ये ज्यादातर इसकी कोशिश होती है कि वो नहीं बाहर के मुल्क में बाहर के मुल्क में होता होगा होता <laughs> <laughs> लेकिन अब आप तो से है। क्यों अब तो नहीं ना अब तो शादी हो गई है <laughs> <laughs> मैं क्या बात कर रहा हूँ बाहर के मुल्क में क्राउड आप तो शादी हो गई है ना कि अभी इतना नहीं है कि बाहर क्राउड के पास खड़े हो जाए कुछ ऐसा वैसा अब होता था थोड़ा बहुत थोड़ा क्या होता है कि चल जाके देख ले क्या दोस्त बैठे होंगे कहीं ना कहीं हमारे <laughs> <laughs> एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो है क्रिकेट अच्छा क्रिकेट से बहुत मोहब्बत हाँ जिंदगी है क्रिकेट हाँ, क्रिकेट क्रिकेट मेरी जान है मेरा मान है क्रिकेट मेरा सब कुछ है वेरी गुड प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूँ प्रैक्टिस के मामले में सारे लड़के परफेक्ट है इस टाइम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सवाल ही लेट आ जाए ना लेट वाला तो सीन ही नहीं है

ज्यादा दूर ना कहीं जाना मतलब अगर लाउंज में हो तो लाउंज में रहो बेडरूम में हो तो बेडरूम में रहो तो क्योंकि हमने ऐसे जाना है और ऐसे आ जाना है की पॉचिंग हद कर दी विद वो मोमेंट्स जी वेलकम बैक किधर चले गए थे यार राणा जी ने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया गपशप ला कर रही है हंसी मजाक हो रहा है अभी तो राणा जी ने भंगड़ा भी डाला था आगे सिलसिला करते ना कंटिन्यू एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर जिसके साथ आप खेले ना हो लेकिन खेलने की ख्वाहिश रखते हो यूसफ भाई यूसफ भाई अभी भी माशाला उनका रिकॉर्ड है एक साल में अठारह सौ रन का इस तरह उनका कुछ टेस्ट मैच का तो क्या क्या वजह यूसफ भाई ग्रेट बंदे हैं ये वो मैं उन्होंने मेरी कोचिंग की थी अच्छा। आ, मतलब उनके बाद उन्होंने मेरी बैटिंग मतलब टेक्निक नहीं चेंज की लेकिन मेरी बैटिंग की एक तो चीज़ थी वो जो ठीक की है तो वो उनके समझाने का उनके बात करने का ऐसे ही तरीका है कि वो आपके जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं फुटवर्क तब्दील किया उन्होंने आपका। नहीं। उन्होंने आपका फुटवर्क नहीं थोड़ी सी बेसिक्स अच्छी की हैं कि बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो उसी वजह सारी चेंज हो गई वो आपके साथ ऐसे ही रहते हैं कि जैसे आपके लंगोटिया है यार है अरे कोई ऐसा फील नहीं होगा कि वो मोहम्मद यूसफ है या वो पाकिस्तान का लेजेंड या वो आपसे इतने साल बड़े हैं वो ऐसा फील ही नहीं मतलब एक दोस्ताना याराना तरीके से वो आपको सिखा भी देते हैं समझा भी देते हैं और आपकी बेहतरी भी करते हैं ऐसे ही ऐसे ही वेरी गुड कोई और एक और प्लेयर कोई इंटरनेशनल प्लेयर ये भी तो इंटरनेशनल है नहीं ये तो पाकिस्तान के है ना कोई बाहर का काम एस एम एस धोनी क्या वजह है इसकी जैसा वो कप्तान है ना जितना वो काम बंदा नज़र आता है जैसे वो प्लानिंग करता है ये है कि आप ऐसे प्लेयर के साथ खेल के आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलता है कि वो किस कैसे अपने आप कितना काम रख लेता है प्रेशर में या वो प्रेशर अगर वो बैटिंग कर रहा है तो प्रेशर में कैसे अपनी टीम को निकाल रहा है उसके साथ ऐसे प्लेयर्स के साथ आप खड़े हों या नॉन एंड स्ट्रेडिक या आप

जल्दी इन जरूर जी क्या कमी है ओडीआई में जिस जिसकी वजह से आपके कह रहे हैं हमारी जो पाकिस्तान में जो टी ट्वेंटी क्रिकेट ज़्यादा है हमारी जो लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट है वो पाकिस्तान में बहुत कम है जिसकी वजह से हमारे जो टेस्ट में भी देखें कि बहुत कम प्लेयर हैं ओ में भी वैसे ही है हमारे टी ट्वेंटी की आप कहीं से भी कहीं पे भी जाकर टीम बना लो आपके टी ट्वेंटी की बेस्ट टीम बन जाएगी पाकिस्तान की शो का हम आपको पता है एंड करते हैं गौर करो सेगमेंट से जहां हम माशरे के एक ऐसे मसले पर आवाज उठाते हैं कोशिश करते हैं कि अवाम उस पर गौर करें और फिर अमल करे उस मसले को माशरे से खत्म करने के लिए तो आए चले गौर करो सेगमेंट पर कभी आपने सोचा है कि दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहां हुकूमत के साथ साथ अवाम तरक्की में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में सिटीजन मुल्क की इकोनमी में बैकबोन की हैसियत रखते हैं क्योंकि वो मुकम्मल टैक्स अदा करते हैं वहां टैक्स चोरी नहीं की जा सकती लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारा यह मसला बढ़ता ही जा रहा है टैक्स कलेक्ट हो नहीं रहा और जब लोग टैक्स अदा नहीं करते तो टैक्स कलेक्शन इंस्टीट्यूट अपने रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते और ये सारा बोझ मुल्की खजाने पर पड़ता है टैक्स रिविजन की फॉर्म में पाकिस्तान की सिक्स परसेंट जी डी पी इज बीग स्टोलन इलिसिट ट्रेड इस शेडो इकोनोमी को और स्ट्रेंथन कर रही है अगर मैं सिर्फ पांच बड़े सेक्टर्स की बात करूं टोबैको रियल एस्टेट टी टायर ऑटोमोबिल फार्मास्यूटिकल इनकी टैक्स टैक्सवेजन तकरीबन 310 बिलियन रुपीस है और अगर मुल्क के हर सेक्टर से होने वाली टैक्स चोरी पर बात की जाए तो ये अमाउंट सैकड़ों बिलियंस तक पहुंच जाएगी टैक्स चोरी की फॉर्म में ये वो रकम है जिससे आपके मेरे लिए डेवलपमेंट के ला तादाद प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो सकते हैं मुल्क के हर शहरी का ये फर्ज है कि वो इस टैक्स चोरी जैसे बड़े मसले पर गौर करे और अपनी इनकम से भी टैक्स अदा करे जो रियासत ने उसके जिम्मे लगाया से नो टू टैक्सन सर रियासत हमारी है पाकिस्तान हमारा है तो टैक्स देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए अगर हम टैक्स दे सकते हैं तो टैक्स देना चाहिए टैक्स दें पाकिस्तान हमारा रियासत हमारी है अपने लिए नहीं लेकिन अपने आने वाली नस्ल के लिए ज़रूर सोचे तो अगर हम टैक्स चोरी करेंगे हमारे मुल्क के ख़ज़ाने पे जोर पड़ता जाएगा और हमारा मुल्क जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है डिफॉल्ट तक पहुँच जाएगा तो अपने मुल्क को बचाओ और टैक्स दो तो, इस बात पर गौर करें मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़